अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों से श्री गोवर्धन विद्या निकेतन विद्यालय में प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। आप समय समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। आप हैं श्री विष्णुदास शर्मा जी। विष्णुदास शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर आमंत्रित किया, शुक्रिया विष्णुदास शर्मा जी। विष्णु जी, एक प्रश्न यकायक मेरे प्रश्नों की श्रृंखला से अलग निकल कर आया है कि ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालय हों या सरकारी विद्यालय हों, उनके अंदर हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं या कराए जाते हैं, लेकिन आपका विद्यालय श्री गोवर्धन विद्या निकेतन में हमेशा सांस्कृतिक के साथ साथ साहित्यिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, ऐसा क्यों? ओम प्रकाश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वास्तव में विद्यालयों का जो चलन है जी, वो नृत्य और गायन के प्रति, और उसमें भी एक ऐसा दूरदर्शन का जो प्रभावी चित्र जी, जी, जो समाज पर एक मनोविकार से ग्रसित है जी, तो भीड़ से अलग चलने का मेरा प्रयास रहा है जी, और इसका श्रेय मैं अपने श्रद्धे स्वर्गवासी दादाजी को देना चाहता हूँ जी, कि वास्तव में सही जो सही है, साहित और साहित्य एक दूसरे के समरूप ही हैं जी, जो दूसरे के हित बात करे वो साहित्य है, तो उसमें कविता का, छंद का, देशभक्ति गीत का, और उसी से प्रेरित होकर के मैं गणतंत्र दिवस पर बाल कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी और वाद विवाद प्रतियोगिता को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। नृत्य गायन भी होता है, पर उन गीतों का चयन किया जाता है जो एक समाज में सकारात्मक संदेश दे। क्या बात है, ये मेरी एक कोशिश रही है। बहुत बढ़िया विष्णुदास शर्मा जी। विष्णु जी, आप एक साहित्यकार भी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं, आपने अपनी पहली रचना कब लिखी? देखिए, साहित्यकार कहना तो नाइंसाफी होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने साहित्य की विधा में बहुत काम किया है जी। ऐसे ही मन में कुछ भाव उमड़े, उस टाइम मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था जी, तो मैंने एक कविता लिखी, मंदिर मस्जिद की दीवार जी। 17 अप्रैल 1994 में वो मेरी कविता दैनिक वंदे मातरम समाचार में प्रकाशित हुई जी। उससे मेरा मनोबल बढ़ा और मन में जो भी भाव आए उसको मैंने लिखा। शायद कुछ सितारे मेहरबान थे कि जो लिखा वो यदा कदा प्रकाशित भी हुआ और लोग मुझे कवि कहने लगे। विष्णु जी, अभी आपने कहा कि साहित्यकार कहना तो अतिशयोक्ति होगी, तो आप अपने आप को साहित्यकार नहीं मानते, साहित्य प्रेमी मानते हैं जी? मैं मानता हूँ, मैं साहित्य प्रेमी और साहित्यिक श्रोता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वक्ता होना एक बहुत बड़ी बात है, हर वक्ता की अलग अलग विधाएँ हैं जी, और स्वांतः सुखाय, जो मन में भाव आया उसको कागज पर उकेर लिया और जिसको अच्छा लगा उसने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए उसको प्रकाशित एक कर और दिया। प्रश्न यकायक मेरे दिमाग जी में बन हुआ है। विष्णु जी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष किसी से प्रेम करते हैं, चाहे माता पिता से, बच्चों से या अपने हम उम्र से, तो उस प्रेम में नाकाम होते हैं या उन्हें धोखा मिलता है, वही कवि या शायर बन पाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा धोखा नहीं मिला इसलिए आप कवि या शायर नहीं बने? देखिए, घर के हालात मेरे ऐसे नहीं थे कि युवा पीढ़ी की तरह मैं प्रेम में या वो नहीं नहीं बात वो संस्कारों की तो यहाँ है ही नहीं। नहीं, मैं कहूँगा कि फिर भी उसमें मेरा उस तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं, और शायद आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो, मेरी पहली जो चार पंक्तियाँ प्रकाशित हुई थी जी, और वो मुझे याद आ रही है आपके इस प्रश्न से जी, कि प्रेम एक मरहम है, प्रेम एक मरहम है, मरहम ना मिला मरहम गए। क्या बात है। नहीं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपने प्रेम की और कभी अपनी दो आंखों को चार आंखें नहीं बनाई, उसके बाद भी आप प्रेम पर आप अपनी रचनाएं लिख रहे हैं,
तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं समझा पा रहे। देखिए प्रेम वास्तव में, प्रेम को हम सही तरीके से परिभाषित नहीं कर मैं पा प्रेम रहे। प्रेम वो है जो ढाई आखर प्रेम का है, मैं पर किसी कन्या के प्रति विशेष आकर्षण तो ये नहीं कहा, कन्या शब्द नहीं लिया। प्रेम बच्चों से भी होता है, बेटी से, बेटे से, माँ से, पत्नी से, पिता से, समाज से, अपने हर चीज़ से प्रेम होता है। मेरा मतलब अपने विपरीत लिंग से नहीं कहना चाह रहा, आप उधर जा रहे हैं, मैं दूसरी तरफ जिक्र कर रहा हूँ। सर मुझे यदि प्रेम रहा तो साहित्य से बड़ा प्रेम रहा जी, और मेरी ये कोशिश रही है इन 25-30 वर्षों में जी कि मैं अच्छे से अच्छे कवि को सुनूं जी, और उसके लिए मैंने साथ साथ 8-8 घंटे जी श्रोता बनकर के उनको सुना भी है। लाल किले का सन 94 से लेकर के कम से कम 2000 तक ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा कि जहाँ लाल किले पर मैं काव्य पाठ को मैंने ना सुना। क्या बात है, बहुत खूब। अब कह सकते हैं कि आप एक ईमानदार साहित्य के प्रति मेरा प्रेम रहा है, साहित्य श्रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कोई और रचना आपने जो आपको प्रिय हो और आपको कंठस्थ याद हो, चाहे कोई दोहे हो। देखिए एक छोटी सी क्षणिका है जी जो मेरी प्रकाशित हुई थी जी, और उसकी 2-4 लाइनें मैं आपको सुना जी। जी स्वागत स्वागत। भ्रष्टाचार के मार्ग में आज नहीं कोई अवरोध जी, प्रतिक्षण होता सत्य का विरोध, आज नहीं तो कल मैं ढूंढ ही लूंगा किनारा शांति का उजियार। वाह 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 वाह, के वाकई बहुत अच्छा। बाकी मुझे खेद है कि इससे आगे मुझे याद नहीं है, काफी समय पहले ही मैंने कविता लिखी थी। चलिए विश्व जी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप पिछले 30 वर्षों से श्री गोवर्धन विद्या निकेतन में प्रबंधक कार्यरत हैं, उसके बावजूद आप हमें ये बताएं कि आपके विद्यालय से कोई छात्र छात्रा किसी उच्च पद पर स्थित हैं? जी वैसे तो मैं एक ये कहूँगा कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे कुछ विद्यार्थी जी अरे जिन्होंने राजनीति में भी अपना नाम कहा है जी, उसमें जी, वर्तमान में एक है दीपक वशिष्ठ जी जो अभी कांग्रेस के टिकट पर जनता कॉलोनी से चुनाव लड़े थे जी, हमारे विद्यालय से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। क्या बात है। वर्तमान में ही मेरी एक छात्रा है जो आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की उपाध्यक्ष है अलका शर्मा, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर चलकर अपना एक मुकाम बनाया है और उद्योगपति भी रहे हैं, और उसमें से कुछ छात्राएँ ऐसी हैं जिनका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन भी। क्या बात है, बधाई आपको और पूरे विद्यालय के ग्रुप को, विद्यालय के जितने भी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु जी चलते चलते हम अंतिम प्रश्न आपसे और करेंगे कि विष्णु जी आपने अपने जीवन में शिक्षा को ही क्यों चुना? साहित्य संगीत कला से विहीन पुरुष पशु समान है। मेरे दादाजी समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, एक शिक्षक रहे जी, और शिक्षक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। क्या बात है। पिताजी भी मेरे संस्कृत और हिंदी के शिक्षक रहे, शिक्षक संस्कृत अकादमी से उनको सम्मानित किया गया। क्या बात है। और मेरे पिताजी ने स्वर्गीय श्री गोवर्धन दास शर्मा जी और मेरी दादी जी विद्या देवी के नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा श्री गोवर्धन विद्या निकेतन। क्या बात है। और इसको मुझे संभालने का अवसर मिला, यही एक छोटी सी भूमिका कह लीजिए कि मुझे ये विरासत में मिला, इसको संभालने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बहुत बहुत भाग्यशाली है विष्णु जी के आपको कुछ विरासत में मिला है, और वो भी तीसरी पीढ़ी में आकर मिला है, और वो भी शिक्षा जैसा अनमोल रत्न मिला है। बहुत भाग्यशाली हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका विद्यालय जो दादाजी और दादी जी के नाम से है वो निरंतर यूं ही प्रगति पर रहे। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी आपका कि मुझ अकिंचन को आपने यह शुभ अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।